धन्यवाद सुनील भाई। सभी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित हैं, सभी पत्रकार साथियों का आज की पत्रकार वार्ता में स्वागत। लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं, कौन से चरण में कौन से लोकसभा के चुनाव होंगे ये भी तिथि तय हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये चर्चा मीडिया में बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी कि भूपेश बघेल को लोकसभा राजनांदगांव से लड़ाया जाएगा। इसी बीच में फिर से महादेव एक का जिन बाहर आया। आज दिल्ली से एक खबर छपी जिसमें महादेव सट्टा में UW ने FIR दर्ज की है जिसमें मेरा भी नाम है। बहुत ही सामान्य सी बात है, यदि थाने में या फिर UW में FIR दर्ज हो तो उसी दिन उसको अपने वेबसाइट में उसे डाल दिया जाए। FIR की कॉपी आप देखेंगे, ये 4 मार्च FIR की कॉपी है, इसमें 4 मार्च लिखा गया है। और आज रविवार के दिन 17 तारीख को दिल्ली से इसे प्रकाशित किया जाता है। रायपुर से नहीं, FIR तो रायपुर में दर्ज हुआ, तो फिर 13-14 दिन तक क्या करते रहे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लीकर में और दूसरे कोल में सब FIR दर्ज हुआ और तत्काल उसको वेबसाइट में डाल दिया गया, इसे क्यों नहीं डाला गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो महादेव ऐप है इसके बारे में कम से कम रायपुर के और छत्तीसगढ़ के पत्रकार भली भांति परिचित हैं, क्योंकि अनेक बार इसके बारे में आप सबसे मैंने चर्चा कर ली। 2022 में इसके खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज किया, पहला FIR दुर्ग में, फिर रायपुर में, बिलासपुर में, अन्य जगहों में करीब 72 FIR दर्ज किए गए और इसमें लगभग 450 गिरफ्तारियां हुई। उड़ीसा में, बंगाल में, अन्य अन्य प्रदेशों से भी गिरफ्तारियां हुई। इसमें बहुत सारे गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप गिरफ्तारियां हुई, राशि भी पकड़े गए। और ये भी 2022 में, क्योंकि जो जुआ प्रतिरोधक अधिनियम है तो बहुत लचीला था, उसे कड़ा बनाने के लिए हमने विधानसभा में इसका इसे बिल भी लाया, पारित भी कराया और लागू भी किया। पूरे देश में महादेव ऐप जो सट्टा है उसके खिलाफ यदि कार्रवाई की गई केवल छत्तीसगढ़ में और थोड़े बहुत ने व्यापक पैमाने पर किया। और इसमें 1000 से अधिक खाते सीज की गए, 200 से अधिक ATM कार्ड जब्त किए गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ उनके कोई हेड ऑफिस नहीं है, ये संचालित कहीं और से होता है। इस बीच में रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी हमने जारी किया। ये विदेश में थे, इसको पकड़ के लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी,
उन्होंने पकड़ा नहीं, बल्कि चुनाव आते आते इसमें कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए शुभम सोनी का एंट्री होता है। अभी तक उसके पहले तक के तो यही था कि रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर दो ही उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन अचानक शुभम सोनी आते हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी करता है जो भाजपा के कार्यालय से जारी होता है, ईडी कार्यालय से नहीं। और इसी बीच में आपने देखा होगा असीम दास नाम का व्यक्ति दुबई जाता है, वापस रायपुर आने के बाद किसी होटल में उसको पकड़ा जाता है राशि करोड़ों रुपये के साथ, और जो गाड़ी उपयोग करता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर अग्रवाल जी के भाई के नाम से वो दर्ज है गाड़ी। और साथ ही उस असीम दास के फोटो अभी वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके साथ और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पांडे जी के साथ भी उसके फोटो दिखाई पड़ते हैं, उसके घर से भी राशि पकड़ी जाती है। और स्थिति ये, अब मजेदार कहानी ये है कि अभी हाई कोर्ट में जो काउंसलेट जनरल जो दुबई के हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में ये अपना बयान दर्ज कराया है जिसमें वो साफ इनकार करते हैं कि शुभम सोनी जो काउंसलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर बयान दिए हैं उसे वो साफ इनकार करते हैं, जिम्मेदारी नहीं ले रहे, अपनी जिम्मेदारी वो नहीं लेते। उन्होंने लिखा है काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। शुभम सोनी का बयान, शुभम सोनी का जो बयान है उसको उन्होंने, इसके कोई जिम्मेदारी वो नहीं लेते, ये स्पष्ट उन्होंने हाई कोर्ट में ये लिखित जवाब उन्होंने प्रस्तुत किया। अब दूसरी बात यह है, जब आपने FIR दर्ज किया, FIR की कॉपी हमारे पास है, उस FIR की कॉपी में आप देखेंगे कि छठवें नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ है और इसमें जो धाराएं लगी है 120B 34 406 420 467 468 471 ये इसमें दर्ज। दूसरी बात यह है कि इसमें जितने महादेव के प्रमोटर और दूसरे लोगों का नाम इसमें उल्लेखित है, लेकिन आप ये जो बॉक्स में आप नाम पढ़ेंगे तो इसमें महादेव बुक ऐप के प्रमोटर द्वारा ऑनलाइन बेटिंग ऐप के इस आपराधिक कृत्य के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई को रोकने के लिए विभिन्न पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीगण तथा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त किया गया, जिसके एवज में उन्हें नियमित तौर पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी राशि दी गई। इसमें कहीं भी मेरे नाम का उल्लेख नहीं है, इस पूरे जो FIR कॉपी है उसमें कहीं मेरा नाम नहीं है, बल्कि ऊपर में आप देखेंगे तो उसमें शुभम सोनी का नाम है, रवि उप्पल का नाम है, सौरभ चंद्राकर का नाम है, अनिल कुमार का नाम है, लेकिन इसमें कहीं और दूसरे नाम नहीं है। ये विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक FIR है, जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबाव पूर्वक डाला गया है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये FIR किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गूगल को हमने ही लिखा था कि इसको
महादेव को बंद किया जाए, तो हमारे निवेदन पर बंद किया गया, लेकिन बहुत सारे और जो बैकिंग है मतलब इस ऐप में वो दूसरे और उसमें चलाया लगातार इसको चलाया जा रहा है, आज भी महादेव कट्टा बंद नहीं है। चार महीना यहाँ राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और केंद्र में पिछले 10 साल से सरकार है, तो अभी ये सट्टा बंद नहीं हुआ है। तो ये क्या मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव के सुशासन के महादेव सट्टा चल रहा है साय साय? मोदी जी की सुशासन, मोदी की सुशासन गारंटी, मोदी की गारंटी विष्णु की सुशासन, महादेव ऐप चल रहा है साय साय। आज इसके संरक्षण में सब कुछ चल रहा है, जिस प्रकार से अभी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने अपने वेबसाइट में जिन नामों का जो सूची जारी की गई, 14 ऐसे कंपनी हैं जहां ईडी आईटी के जांच के बाद सत्ता पक्ष के खाते में पैसा डाला गया, वो तारीख भी आप सब जानते हैं, आप सबके पास है। हालांकि कितने लोग चला रहे हैं कितने लोग नहीं चला रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये सारी सूची आपके पास है। और मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाला कोई है तो सट्टेबाज ही है। क्या नाम है उसका भाई? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। ये 2 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक 2022 को, उसके पहले छापा डाला और 1368 करोड़ रुपए चुनावी चंदा दिया गया, सबसे ज्यादा किसी ने दिया है तो ये फ्यूचर गेमिंग वाले दिए हैं। तो क्या ये जो दुबई में बैठे हुए लोग हैं महादेव के डायरेक्टर, उसको इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है कि इनके बीच में कोई लेन देन तो नहीं हो गया, कोई सौदा नहीं हो गया? मैं पहले भी आरोप लगाया था कि विदेश से इसको लाया क्यों नहीं गया, कौंसलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर शुभम सोनी बयान देते हैं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? ये स्पष्ट है कि अब ये आज जिस प्रकार से मीडिया में बात आई है, 4 मार्च को FIR होने के बाद 17 तारीख को ये प्रकाशित हो रहा है, तो ये सोच समझ के इसको डाला गया है, वो भी दिल्ली से। इसका अर्थ सीधा है कि वो राजनांदगांव लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है या हार मान चुकी है, ये स्पष्ट कि वहां के चुनाव वो हार चुके हैं और इस कारण से बदनाम करने के लिए इस प्रकार की चीजें लाई गई है। और न केवल राजनांदगांव बल्कि मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसको अध्ययन करने के बाद, इसको 13-14 दिन में सर्वे कराने के बाद इसको डाला गया है आज संडे के दिन। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो मैं कहूंगा, जवाब दूंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ना इन गिदड़ भक्तियों से ना मैं डरने वाला हूं ना पीछे हटने वाला हूं। एक एक कर दो प्लीज। हाँ विश्वकर्मा जी, देखिए सीधी बात यह है कि जो सूची है उसमें मेरा नाम डाल दिए हैं, बचत विवरण में मेरा नाम नहीं है। तो एक बात है, यदि सूची में मेरा नाम डाले गए और विवरण में राजनीतिक संरक्षण और अधिकारियों संरक्षण, तो जब यदि वहाँ वो नाम नहीं है तो यहाँ नाम है, तो जब मेरा नाम यहाँ डाल सकते हैं तो उन अधिकारियों भी नाम डालना था उसमें।
क्यों नहीं डाला गया, उन अधिकारियों का नाम क्यों नहीं है जब इस सूची में सही है बोला, इसमें जब मेरा नाम है तो अधिकारियों भी नाम डाल सकते हैं। अब इसमें आप संबंधित ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारी गण, ओएसडी गण, अज्ञात निजी व्यक्ति गण, ये क्या है? एक एफआईआर में आप कांग्रेस जन लिखते हैं, कांग्रेस गण सबको लिख डाले इसमें। अब निजी, अब मेरे निजी में तो आप लोग भी आते हैं भाई, मेरे सबसे ज्यादा पत्रकारों से मेरे संबंध है मोहन भाई। इसमें किसी का नाम नहीं है इस बॉक्स में, है ना, इसमें मेरा नाम है, तो उस अधिकारियों का नाम इसमें आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि जानबूझ के बदनाम करने के लिए लोकसभा चुनाव है और इसी मुद्दे पे ये लोग चुनाव में जाएंगे। निशा जी, देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये 2021 से 2021 से आईटी, ईडी, सीबीआई लगातार लगे रहे, डीआरआई लगे रहे और उसमें पूरे प्रदेश में वो किसके किस मोहल्ले में नहीं गए हैं, कौन सा वर्ग छूटा हो, जिसको डराया नहीं गया हो, जिसको धमकाया नहीं गया हो, दबाव नहीं डाला गया हो मेरा नाम लेने के लिए, वो नहीं कर पाए, कोई प्रमाण तो कर नहीं पाए। अब ईडी ये हम लोग तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगातार 22 से जांच कर रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे, पूरे देश में सबसे ज्यादा हमने किया, उसके बाद ईडी इसमें घुस गई, ईडी ने जांच कर लिया, खंगाल लिया। अब ईडी जांच करने के बाद ईओडब्ल्यू दिया है, तो सवाल इस बात का है कि मैं कमजोर होता तो सारे एजेंसियां नहीं पड़े होती और पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि ये सारे सेंट्रल एजेंसी जांच की है तो छत्तीसगढ़ में, छोटा राज्य जहां सबसे जांच हो रही है। मैंने कहा था मैं बहुत मजबूत हूं, लेकिन उनके डर का वजह मुझे समझ नहीं आता। अनुरोध जी, इससे संबंधित, मतलब इससे संबंधित कोई सवाल हो तो मैं आज जवाब दूंगा, अन्य सवाल का जवाब मैं दूसरे दूंगा। हाँ सर, आगे की क्या करना है? अब इसमें देखिए, मैं तो पहले बोल दिया इसको जो करना है करे, यदि वो नोटिस दे। पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ के ईओडब्ल्यू ने 4 मार्च को एफआईआर दर्ज कर लिया, है ना, इसको अपनी वेबसाइट में क्यों नहीं डाला, पहली बात। दूसरी बात यह है यदि वो नोटिस देती है तो हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तीसरी बात यह है कि यदि इसके मामले में और फर्दर एक्शन करना लेना है तो वो फिर वकीलों से ही बात करके किया जा सकता है। इसको कौन रोक रहा है, लेकिन कोई प्रमाण तो हो। 3 साल से लगातार ये घूमते रहे, इनको कोई तथ्य मिला नहीं। मेरा एक सवाल ये था कि ये जो आधार बता रहे हैं वो ईडी की जांच को बता रहे हैं, एक बार 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 आते हैं कि टैक्सन मनी के रूप में जो जो लोगों ने पैसा प्राप्त किया उनको एफआईआर में शामिल किया गया अधिकारियों के साथ, उसमें आपको शामिल कर दिया। बहुत अच्छा सवाल मोहन भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक मिनट, हाँ भागे जा रहा हूँ, मैं आपको सवाल लूंगा। मोहन जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया, प्रोटेक्शन मनी वो लेता है जो प्रोटेक्शन मनी लेके उसके खिलाफ कार्रवाई ना करे, तभी तो प्रोटेक्शन मनी होगा। हम हैं हमारे, हमको खुश करके रखो, नीचे आपके खिलाफ, आपके लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
यही होता है ना प्रोटेक्शन मनी, इसका अर्थ यही हुआ। 14 कंपनियों के साथ हुआ जो अभी 14 कंपनियों के साथ हुआ अभी दिल्ली में, मनी लॉन्ड्रिंग तो है ना ये, कि उनके खिलाफ पहले जांच की गई और जांच करने के बाद उसे पैसा ले लिया गया और पैसा लेने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि छापा पड़े या नोटिस दिया गया। लेकिन यहां ये है, यहां तो हम 72 FIR दर्ज किए, 450 गिरफ्तारियां की, उसको लुकआउट सर्कुलर जारी कराया और उसके गूगल को हमने पत्र लिखा बंद कराया जाए, भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखी इसको बंद कराया जाए, विधानसभा में इसके खिलाफ कड़े कानून लाए, तो प्रोटेक्शन कैसे हुआ? प्रोटेक्शन तो वो है जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है और वहां एक भी कार्रवाई नहीं हो रही है और महादेव वहां चल रहा है, वहां जरूर मिल रहा होगा प्रोटेक्शन जी। पूछिए तो कार्रवाई वहां होनी चाहिए। हाँ जी, पूरे देश में चल रहा है उनका तो ये है, देखिए इनका तो आइडियोलॉजी ही यही है, या तो हमारे पास आ जाओ और नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार रहो। नहीं, इनकी हिम्मत नहीं है, भूपेश बघेल को ऑफर दे सकते। हाँ शिखर जी, शिखर जी नहीं नहीं बाक्स में मेरा नाम नहीं है, बाक्स में तो अधिकारीगण नेतागण लिख दिया, लेकिन FIR में मेरा नाम है। यदि बाक्स में अधिकारीगण और नेतागण है तो नेता का नाम लिख दिए हैं, तो अधिकारियों को भी नाम लिखना था ना, ये नहीं है। हाँ ये इसमें नहीं है। हाँ हाँ FIR, मैं तो पहले FIR के लिए कोर्ट जाएंगे पूछो। और मैं पहले बोला आपको, इसके तो एक साथी सवाल किए उसने बोला कि यदि UWW मुझे बुलाती है नोटिस देती है मैं जाऊंगा। दूसरा ये है कि इसके बारे में फर्दर एक्शन के लिए वकीलों से बात करके फिर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आज वही तो अब आज ही देखिए, ये तो ऐसा है कि दिल्ली में एक वेबसाइट में प्रकाशित हुआ, वेब पोर्टल में है ना, अब वो धीरे धीरे यहाँ फैलने लगा, पत्रकार फोन करने लगे, कुछ घर में आ गए, तो मैंने कहा इस पत्रकार वार्ता ही ले लेता हूँ, अभी तो अब एक एक जानकारी होती जाएगी तो वकीलों से बात करूंगा इसमें क्या हो सकता है नहीं हो सकता। ये तो मुझे बढ़िया प्रचार करने का मौका दे रहे हैं भाई, मीडिया हम लोग दिखते कहाँ हैं, है ना, वहां तो सब मोदी जी की गारंटी दिखाई देती है, चाहे टेलीविजन खोलो तब, चाहे प्रिंट मीडिया देखो तब, चाहे पोर्टल मीडिया देखो तब, सब में वही दिखाई देते हैं। वो तो आप लोग भी जो प्रमुख जो पत्रकार हैं उनका भी पोर्टल देखो ना, तो विज्ञापन जिसके खिलाफ बोलते रहते हैं उसमें भी उसी की विज्ञापन आता है। हाँ जयप्रकाश जी, जयप्रकाश आ रहे हैं। अरे भाई वो तो मोदी वॉशिंग मशीन में धुल गया जैसे अजीत पवार धुल गए, है ना, जैसे नारायण रानी धुल गए, बहुत सारे नेता और धुल गए, अभी ताजा ताजा और नेता गए जो राज्यसभा में गए वो भी धुल गए, वैसे चिंतामणि महाराज भी धुल गए, अमरजीत का नाम है लेकिन चिंतामणि महाराज का नाम जी आप जी। ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनको क्यों जरूरत पड़ गई, महादेव बंद क्यों नहीं करा रहे हैं, यही कह रहा हूं मोदी की गारंटी विष्णु सुशासन, महादेव चल रहा है साय साय, वही तो मैं कह रहा हूं क्यों बंद नहीं हो रहा है। खुशबू जी तो
बिल्कुल सही बात आपने कहा कि ये राजनांदगांव चुनाव वो हार मान चुके हैं और इसीलिए कल डिक्लेयर हुआ और आज उन्होंने इसको जारी किया, जबकि FIR 4 तारीख को, लेकिन आज जारी किया है। इसका उद्देश्य इसका इससे स्पष्ट है कि वो हार मान चुके हैं राजनांदगांव लोकसभा। हेमंत जी, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे भी मतलब इतने डरे हुए हैं। तो सवाल इस बात का है कि वो जो ये है, क्या नाम है उसका, फ्यूचर गेमिंग, इसके बारे में बता दो। ये सब उनके भविष्य हैं जो 1368 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं, उस पर कार्रवाई नहीं किए हैं। महादेव से कितना लिए ये बताएं, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, दुबई से पकड़ के क्यों नहीं ला रहे हैं, काउंसलेट जनरल के सामने उपस्थित हुए गिरफ्तार क्यों नहीं किए। ये सवाल है कि ये महादेव के नाम से दूसरे को बदनाम करो, कार्रवाई हमने की, कि केंद्रीय मंत्री बताएं जिसके जिन जिन राज्य से आते हैं वहां जो महादेव चल रहा है कि नहीं चल रहा है और वहां रोकने की क्या कार्रवाई की है, कि केंद्र सरकार बताए खुद क्यों नहीं रोक रहे हैं। वो तो बल्कि ये है कि ये जितने भी सट्टा है उसमें 28% GST लगाया है और 4% सरचार्ज लगाया है, उससे पैसा कमा रहे हैं। असल ये है कि सट्टा ये महादेव जो है उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई कर दी उससे विचलित होके, क्योंकि सट्टा से पैसा कमा रहे हैं, सरकार भी पैसा कमा रही सट्टे से, क्योंकि 28% GST लिए और 4% सरचार्ज, और भारतीय जनता पार्टी खुद कमा रही 1368 करोड़ रुपया। ये है पार्टी भी कमा रही है और सरकार भी कमा रही है। वो तो आंख की किरकिरी बन गया, मैं यहां कार्रवाई कर दिया और कड़े कानून बनाए। ठीक है सत्य प्रकाश जी, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव सामने तो मुद्दा बनाए, क्या लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा और आप दोस्तों के बीच क्या प्रेशर लेकर जाएंगे कि आपको दबाव दिया जा रहा है, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि महादेव को भारत सरकार क्यों नहीं बंद कर रही है, डबल इंजन सरकार क्यों बंद नहीं कर रही है, कितना पैसा लिए हैं। मेरा आरोप यह है कि ये जैसे फ्यूचर गेमिंग से पैसा लिए हैं उसी प्रकार से महादेव से भी पैसा लिए हैं, तभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, कितना लिए हैं। अरे रहने दीजिए, मैं सुनिए भी आज इसी संबंध में, इसी संबंध में ना ना नहीं अरे कोर्ट तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे निर्वाचन आयोग ने वेबसाइट में अपना कर दिया, इसको कम से कम दिखाएं तो, लोगों को बताएं तो, मीडिया क्यों नहीं बता रही है इसको, क्यों नहीं पूछ, जितना सवाल मुझसे पूछ रहे हैं एक आध सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ लीजिए, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा जी। धन्यवाद, थैंक यू, आप सबका आभार।